अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सूखी बोमबिलों की चटनी। ये कुछ सूखी बोमबिल मैंने ली हूँ। ये हरी मिर्च है, ये फीकी वाली है, ये बिल्कुल तेज़ नहीं है। ये हरी मिर्च मैंने ली हूँ 100 ग्राम। ये 3 प्याज है, 2 लहसुन है और ये 2 टमाटर है। चलिए शुरू करते हैं चटनी बनाना। ये सूखी बोमबिल मैंने ली हूँ, हम इसे इस तरह से काटेंगे। ये ऊपर की तरफ से हमें ऐसा काटना है, देखिए। ये साइड का हल्का हल्का सा निकाल लेंगे हम। ये दुम की तरफ भी हम ऐसा थोड़ा सा काट लेंगे, देखिए ये हो गई है। इसके हम छोटे छोटे से 1-1 इंच के इसके पीसेस बना देंगे। मैंने तवा ली हूँ, तवे में मैंने थोड़ी सी 3 चम्मच ये मूंगफली डाली हूँ। हम मूंगफली को अच्छे से सेक लेंगे तवे पे। मूंगफली अच्छे से सेके गई है, अब इसे हम निकाल लेंगे। मूंगफली को हम ठंडा करके इसके छिलटों को इस तरह से इसे निकाल लेंगे। ये मैंने हरी मिर्ची ली हूँ बड़ी वाली, और ये कुछ लहसुन है, इसे मैंने अच्छे से भी अच्छे से भून लेंगे। इसे हम विलेट स्टाइल बना रहे हैं, इसीलिए हम इसे अच्छे से इसमें कूट लेंगे। हम चाहे तो मिक्सर के जार में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। देखिए ये हमारा अच्छे से कूट के हो गया। मैंने इसे जाड़ा मोटा ही कूटी हूँ, बहुत बारीक नहीं करना है। हमारे हरी मिर्ची में और लहसुन में भी अच्छा मार्क्स आ गया है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे, इसे ठंडा करके इसे भी हम हमाम दस्ते में ही कूट लेंगे। देखिए हमने इसे अच्छे से कूट लिए हैं, इसे भी हमने जाड़ा मोटा कूटे हैं। कढ़ाई ली हूँ, कढ़ाई मैंने 1 चम्मच तेल डाली हूँ। तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। ये सूखी बोमबिलों को मैंने 5-6 पानी में धो ली हूँ। इसे अब हम अच्छे से इसमें फ्राई करके निकालेंगे, इसे अच्छा कड़क फ्राई करेंगे। देखिए हमारे बोमबिल अच्छे से फ्राई हुए हैं, देख आप देख सकते हैं बोमबिल पूरे हमारे गोल्डन कलर में हो गए हैं। इसे अब हम निकालेंगे। तेल और बच गया है, इस कढ़ाई में हम थोड़ा और तेल डालेंगे। ये 1/2 चम्मच तेल में और डाल दी है बची हुई बोमबिल के तेल में। इसमें हम डालेंगे कुछ कड़ी पत्ते, 1 चम्मच जीरा और ये प्याज, इसे हम फ्राई करेंगे। ये 3 प्याज है जिसे हम फ्राई कर लेंगे। जो फिश लवर होते हैं उनके लिए तो ये ज़बरदस्त डिश है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए आप। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। देखिए हमारे प्याज अच्छे से पक गए हैं। इसमें हम डालेंगे ये हरी मिर्ची और लहसुन का ठेसा और इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम 1 मिनट के लिए। मैंने इसे फ्राई कर ली हूँ अच्छे से। इसमें हम डालेंगे ये 2 टमाटर। टमाटर डालते ही हम इसमें नमक डालेंगे ताकि हमारे टमाटर जल्दी से गल जाए। अपने स्वाद के अनुसार हम टमाटर नमक डालेंगे। सॉरी कि हमारे टमाटर हल्के हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और फिर और भूनेंगे इसमें 30-40 सेकेंड के लिए। अब इसमें डालेंगे ये सेंग यानी कि मूंगफली और फिर इसे अच्छे से हम भूनेंगे। देखिए अब इसमें जो हमने ये सूखी बोमबिलों को फ्राई करे थे वो डाल देंगे इसके अंदर और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए लग रहा है ना गाउटी देसी स्टाइल विलेज स्टाइल चटनी, बहुत मज़े की बनती है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे जवारी की रोटी, बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी, चावल की रोटी, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें अब डालेंगे हम हरा धनिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।